नया मशीन आप परचेज किया है और मशीन को चालू करते हो, ये कन्वेयर नहीं घूम रहा है, पहले ये स्विच ऑन करो, फिर कन्वेयर नहीं घूम रहा है तो ये मशीन को बंद कर दीजिए। फिर ये नीचे दो नॉब दिया हुआ है, वो दोनों नॉब को लूज कर दीजिए पहले। ये कन्वेयर को जो है वो आगे खींच लीजिए। आगे खींचने के बाद ये जो शाफ्टिंग है इसमें ये स्क्रू दिया हुआ है एक, और इसमें एक कैप्सूल दिया हुआ है। ये जो कैप्सूल स्क्रू जो है वो कैप्सूल के अंदर फिट होना चाहिए। हाँ, ये आ गया। अभी ये जो स्क्रू है उसको ऐसे टाइट कर दीजिए। ये स्क्रू टाइट करने के बाद ये जो कन्वेयर जो है उसको थोड़ा आगे ले लीजिए, और ये जो व्हील है उसको टच नहीं होना चाहिए, कन्वेयर थोड़ा उससे दूर रखना है। वापस से उसको नीचे से दो जो नॉब है उसको टाइट कर दीजिए दोनों साइड से। टाइट करने के बाद ये मशीन ऑन करोगे तो ये कन्वेयर बेल्ट जो है वो रन होना चालू हो जाएगा। रन होने के बाद कभी ये बेल्ट जो है वो एक साइड में चला जाता है, तो जिस साइड में जाता है उस साइड का ये जो नॉब है उसको टाइट करोगे तो वो पोजीशन अपने आप ले लेगा।